नमस्कार, फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं उस 60 फुट रोड पर जो पूरी NIT विधानसभा क्षेत्र की राजनीति का आप कह सकते हैं कि थर्मामीटर है, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा स्पॉट है जहां से पूरी NIT विधानसभा की राजनीति चलती है। उस 60 फुट रोड पर बार बार हमने वो खबरें आपको दिखाई कि लगातार सड़क पर पानी भरता है, लगातार सड़क टूटी होती है और प्रयासों से, जैसा विधायक कह रहे हैं, नीरज शर्मा कह रहे हैं, उनके प्रयासों से सड़क का निर्माण हो रहा है। पैसा लाए हैं और उस पैसे से सड़क का निर्माण हो रहा है। अब आप ये देख सकते हैं जो निर्माण की क्वालिटी है वो थोड़ा सा नज़दीक ला के दिखा दें आप। जगह जगह अब कल तो ये सड़क बनी है और अब इसमें क्रैक्स पड़ने शुरू हो गए हैं। आज से फटना चालू हो गया। पीछे से सही है रोड, यही दिक्कत आ रही है। और ये देखें, ये भी दिखाना है, ये रात ही डला है सर, कल डला है कल दिन में, और 24 घंटे भी नहीं हुए, 24 घंटे में दरार पड़ गई। और इसमें यहाँ नहीं है, वहाँ तक लास्ट तक दरार है पूरी। कहाँ पे? ये देखें फरीदाबाद आप, और पीछे वाले में बिल्कुल दरार नहीं है। ये नहीं दरार है, ये देखो आपके पैर के पास भी दरार है, देखो वो देखो, ये सारी दरार है। अब ये पीछे वाला माल इतना बढ़िया डला हुआ, बिल्कुल बढ़िया, पीछे तो ठीक हो रहा है काम, पीछे ठीक था। यहाँ पे ये 15-20 दिन रुक गया था काम, और 15 दिन बाद जब ये काम चालू हुआ है ना, तो उसके बाद फिर जब ये दोबारा चालू हुआ तो ये माल ये डला है, माल खराब डला है, खराब डला जी। क्या नाम आपका? शहजाद। शहजाद जी हाँ जी, पीछे सही बनता आ रहा है रोड, यही दिक्कत आ रही है इसमें। अच्छा, आगे हाँ, अभी बता रहे कि सुबह सुबह गाड़ी आई है, कल गाड़ी आई है सुबह, और जब डाल के गए हैं बता रहे कि कहीं काम चल रहा, कहीं और जगह बन रहा रोड, ऐसे बता रहे। पूरी राख है इसके अंदर, वो देखो ना वहाँ जाके आपको दिखा, आइए दिखाते हैं, आप देख सकते हैं फरीदाबाद। जी ये देखें फरीदाबाद, यहाँ देख रहे हैं, ये सीमेंट मिली हुई जो है हो जाएगी। ये देखो सारी, ये रात का डला हुआ, ये रहा। अब इससे लगा देते हो क्या है, देखो ये रात, अगर जो सीमेंट डली होती सेट हो जाता। ये देख सकते हैं फरीदाबाद आप, 24 घंटे हो चुके हैं जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम रविंदर है। 15 दिन से काम बंद पड़ा है, कल चालू करा है ये, और इसमें ये तरारे आ चुकी है सर, सारी राख है। पीछे का ठीक बन रहा था? पीछे ठीक बना है, सफेद वाला सही बना हुआ है, पीछे बिल्कुल सही बना हुआ है, और परसों से जब से काम चालू हुआ है, जब से सारा काला रोड है ये, और इसमें इसके अंदर देखो राख कितनी है, और पीछे वाला इतना वाइट है, बिल्कुल बढ़िया वो। हाँ जी, क्या नाम आपका? चेतराम नाम है, चेतराम। चेतराम जी हैं हमारे साथ। चेतराम जी, सड़क बन रही है, ये सड़क बड़ी राजनीतिक रूप से बड़ी, मतलब हॉट है ये सड़क। हाँ जी, पीछे तो बढ़िया माल लगा इसमें। चुनाव से पहले विधायक जी ने इसी पे बोला था कि हम पानी नहीं भरने, पानी भरने चुचा कटवा लेंगे। हाँ, वही बात ना, इसे बढ़ा रहे वो। हाँ, देखो वही राजनीतिक वादा है तो पूरा कर रहे हैं। पूरा कर रहे हैं, लेकिन माल तो सही लगाए, माल तो सही लगाए, माल ठीक लगना, वादा तो पूरा हो रहा है, वादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माल तो सही डाले। एक साल में नहीं चलेगी सड़क, ये टूट जाएगी। इससे तो ये लगता है कि जैसे भेदभाव वाला सिस्टम है, सुपरविजन ठीक नहीं है, मतलब सही नहीं है। और दूसरी बात, पहले जो माल आ रहा था किसी मंगला कंपनी थी वहां से आ रहा था, अब कोई JP है वहां से आ रहा है। ये माल तो कहीं से भी लाओ, पर माल ठीक लाओ, ठीक लाओ। दूसरी बात, अभी कहीं से भी रामलाल का माल लगाओ या श्यामलाल का लगाओ, पर माल ठीक लगाओ, सही नहीं है। इसमें राख मिला हुआ सीमेंट में है, तभी तो ये ब्लैक है, देखते ना ये ब्लैक है, पहले व्हाइट है पीछे का, वो पीछे का ठीक बना है, पीछे का। लेकिन 15 दिन बाद जो काम रुका, उसके बाद जो परसों से काम शुरू हुआ, उसके बाद काम ठीक नहीं हो रहा है, यही बात ना? नहीं है, नहीं हो रहा है ठीक। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, लगातार लोग यहाँ शिकायत कर रहे हैं, और हमने आपको दिखाया दरारें, तो हमने आपको दिखाई। मुकेश भाई सब भी आए थे, डिप्टी महा, वो देख के क्या कह गए इसको, वो ये कह रहे हैं कि भाई इसमें जो माल आ रहा है वो हमने कंपनी से आदमी बुलाए नगर निगम के, और वो आके वो चेक करेंगे इसको, सैंपलिंग चेक करेंगे, और सैंपल भी निकाले वो उन्होंने। इसकी वजह से ये देखिए, ये इनका भी हाथ टूट गया सर, उधर पे गिर गए थे, ये टूटी सड़क पे गिर गए थे,
टूटी पे ज्यादा है ना, डलवा डलवा नहीं रहे। हाँ तो स्कूल बच्चे को छोड़ने गए थे तो वापसी आए तो वहाँ से गिर गए। अभी निर्माणाधीन है ना सड़क। हाँ जी हाँ जी, उसी चक्कर में अभी स्कूल है उस गली में, तो वहाँ छोड़ने गए थे तो ये गिर पड़े और इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। सर ले देगी ये कि हम तो ये चाहते हैं जैसे पीछे रोड बनाना सफेद ऐसा ही बने, बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी हो, बढ़िया क्वालिटी। हाँ क्योंकि ये तो एक सदी से तो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, उसके बाद बड़ी मुश्किल में बन रहा है तो बन रहा है। राजनीतिक थर्मामीटर है ये इस इलाके का, ये मैन है ये मान के चलो कि सारे वार्ड इससे जुड़ते हैं, वार्ड नंबर 5, 6, 7 जो भी सभी से जुड़ते हैं और सारी राजनीति एनआईटी की जो होती है यहीं से शुरू होती है, यहीं नेता पैदा होते हैं और यहीं निकल जाते हैं। रोड तो बहुत चलता कोई है। कोई कसम खाता है, कोई कुछ करता है, कोई कनाट प्लेस बना देता है, कोई कुछ करता है, लेकिन बनता कुछ नहीं है। अब देख लो हाल कितना बुरा कर रखा है इन्होंने, बड़ा बुरा हाल कर रखा है सर। पीछे का तो ठीक बना के ला रहे, पीछे का तो सर पीछे अच्छे लोग हैं सर, पीछे अच्छे लोग हैं, हमारे यहाँ गंदे लोग हैं, इसीलिए तो ब्लैक बन रहा है। मैं पीछे ही रहता हूँ ना, ना मैं पीछे ही रहता हूँ, 4 फुट रोड पे मेरे रोड है, पीछे बढ़िया माल डला है जी, माल भी हैवी है और मोटाई भी ज्यादा है उसकी और सीमेंट भी अच्छा है उसमें। वो माल गिर रहा था मात्र 3 घंटे में सेट हो गया था वो, 24 घंटे हो गए। ये तो आपको पता होगा, आप रह रहे हो यहाँ रात भर, इसकी देखरेख करी हमने, ना कोई जानवर चढ़ने दिया ना कोई आदमी चढ़ने दिया। अभी उनसे पूछा था, उनका एक आदमी था लेकिन वो यू कह रहा था इस पर जानवर जानवर सियासी का, ये विजय चीन है, विजय चिन्ह, ये विजय चिन्ह है, ये जो कोई यू करता है ना वो इसके ऊपर करता है बिल्कुल। बस ये कह रहे कि रिपेयर करते हैं इसमें केमिकल वगैरह डाल के दरारे वरारे बंद हो जाएंगी, फिट हो जाएगा कर देंगे, बोल रहे हैं तो टूट जाएगा ये, कोई गाड़ी चढ़ गई तो अभी मरम्मत करके चेपा चेपी करके चले जाएंगे, चले जाएंगे फिर हमें नुकसान है, हमें छिपा नहीं होना, कुछ भी कर दो, छिपा नहीं होना चाहिए ये, फिलहाल तो कुछ भी कर दो। लेकिन सबसे पहली चीज है, हम तो ये चाहते हैं कि जैसे पहला रोड था वो 22 साल तक चला, अब हमारा रोड है ना कम से कम 22 30 साल तक तो चलना चाहिए, ऐसा है इसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकते हम। चलेगा ही नहीं, 20 साल प्लानिंग होता है गवर्नमेंट का, लेकिन ये चलेगा नहीं, क्योंकि ये घटिया सीमेंट डाला है इसमें। ये देखो ना, अब ये रोड ही अलग है, सीमेंट अलग है, अभी बताओ जिस पे सीमेंट का ये हिसाब किताब, जो आज से 22 साल पहले लैंडर पड़ा है ना उस जैसे लैंडर था, वो पीछे वाला भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो आज तक भी नहीं फटा, वो आज तक भी नहीं फटा जो पुराना जो लेंटर है, पुराना जो लेंटर है आज तक भी नहीं फटा। हाँ वो मजबूत बना हुआ एकदम। मैंने बोला था कि हर 50 मीटर पे हम सरिया डालेंगे, उन्होंने इसमें एक भी सरिया उस कोने से लेके यहाँ तक सरिया डाला, एक भी सरिया नहीं डाला, नहीं डाला पीछे सरिया डाला, इधर पे रस्सी सरिया नहीं डाला, इसमें एक भी नहीं डाला। पहले तो ऐसे करके डालता था, सरिया नहीं डालते सरिया, पूरे रोड में सरिया डाला है पीछे जो 20 साल पहले, तभी तो टिका इतना नहीं है। बात है जी, सीमेंट नहीं है काम के, हमें तो जानते हैं, अगर सीमेंट से सही होती तो ऊपर से 1 महीने का वादा करके और 2 महीने तो हो गए होंगे अंकल जी, परेशानी इतनी हो रही है, दोनों साइड में उतरने की जगह है, बच्चे गिरते हैं स्कूल वाले, रोज किसी का हाथ पैर टूटते हैं, होली तक का टाइम दिया तो कहाँ हो रहा, अभी 20 दिन बंद कर दिया बीच में। रोड की तो मेहरबानी है, जो हाथ टूट गया इनका ले देखिए सर, हम तो यही चाहते हैं बस रोड वाइट बने और बढ़िया काम हो, क्योंकि आदमी जब कोई चीज काम हो रहा है तो उसके लिए उम्मीद पे ही होता है आदमी, और उम्मीद अच्छी हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि जैसे पीछे बनाया ऐसे ही बन जा, इसीलिए कंप्लेंट करी थी आपके पास, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी आवाज उठाते हो। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं सड़क पर बड़ा रोष है स्थानीय लोगों में, कह रहे हैं कि पीछे से जो सड़क बनती आ रही है वो ठीक है, सही बनी है, लेकिन पिछले 3 दिनों से 15 दिन का काम रुकने के बाद पिछले 3 दिनों से जो सड़क बननी शुरू हुई है, ये सड़क कहीं ना कहीं लगातार टूट रही है, सेट नहीं हो रही है, इसमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है और इसी वजह से इसके चलने की उम्मीद नहीं है, तो इसको प्रशासन ठीक करे, दोबारा बना दे, दूसरा दोबारा बनाए, इसको हटा के दोबारा ही बनना चाहिए, ये जो मटेरियल जो कल परसों जिस बंदे ने पीछे का रोड बनाया है ना, उसने ये ठेका आगे किसी और को दे दिया, नहीं वो खुद बता के गया, अभी यार भाई वो खुद बता के गया है, वो जो लाल टी शर्ट वाला लड़का है ना, उसने ये बोला है कि ये हमें माल दे, हमें तो सिर्फ पेमेंट देनी है, वो हमारी M40 तय है उससे, यही बात बोलो। चलो वो तो सरकार जाने किससे क्या काम करवा रहे हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।